कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें आपको कि लगातार हो रही बारिश के चलते और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर हवाई सर्वेक्षण करते हुए शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ का पानी जो है वो लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर डूब रहे हैं, लोगों का जो सड़कें हैं वो तब्दील हो जा रही हैं तालाब में, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कि हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। बाढ़ की वजह से गरीब लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है, और ये पानी लोगों की परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज घने बादलों के बीच, बारिश के बीच हमने प्रयास किया कि नर्मदा जी की बाढ़ में घिरे हुए गांव का एरियल सर्वे करें, गिरते पानी और बादलों में से होते हुए हम नर्मदा जी तक पहुंच भी गए, लेकिन लो क्लाउड होने के कारण, नीचे तक बादल छाए रहने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने हमें कहा कि रिस्क है और इसलिए वापस लौटना पड़ेगा। और अब बढ़ेंगे खबरों में। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देशभक्त बताने के बयान की निंदा करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को माफी मांगनी चाहिए, इसी कारण से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ दी गई शिकायतों को रद्दी में डाल दिया जाता था। एएमयू व विश्वविद्यालय जहां